गया के गांधी मैदान के स्टेडियम में आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम में गया जिला के 35 स्कूलों की 3000 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को जोश, ऊर्जा और आत्मविश्वास देने की जरूरत है, खासकर छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने की भी जरूरत है। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति कुसुम कुमारी ने कहा कि देश की ही स्त्रियों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस अवसर पर एबीपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो मिशन साहसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश की आधी आबादी जो महिलाओं की और उसमें सबसे जो यंगर जनरेशन, उनको ट्रेन किया जा रहा है सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में। और ये जो कदम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है युवा जनरेशन के लिए। मेरा मानना है कि सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग न केवल आपको आत्मरक्षा करती है, या आपके लाइफ में आत्मरक्षा से गुजरे, मतलब मानसिकता के लिए सशक्त हो जाए कि अपना डिफेंस कैसे लेना है। और सोच बदलने से ही समाज बदलता है। सोच जब तक बदलेगा नहीं, समाज बदलेगा नहीं। एक दिन प्रशासन के प्रयास से, कानून से, संविधान से समाज को नहीं बदला जा सकता है। उसको बदलने के लिए हर घर में पुलिस और मजिस्ट्रेट नहीं बैठ सकता है। उसके लिए आपको हर घर में प्रहरी तय करना होगा, हर समाज में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में। और जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, वही इन चीज़ों से रोक सकती है बच्चों को, इसलिए उसको बढ़ावा देना होगा। लेकिन उसके पहले बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, उनको समझना होगा। उनके सशक्तिकरण का जो ये प्रयास हमारे युवा वर्ग के द्वारा किया गया है, ये अत्यंत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, नहीं वंदनीय कदम है। निशन 24 के लिए गया से विवेक कुमार पांडे की रिपोर्ट।